महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में दोनों तरफ से धर्म का जमकर तड़का लग रहा है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। अब महाराष्ट्र के चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर पलटवार किया है। अब अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस पर पलटवार किया है तो जाहिर सी बात है इस पर बवाल तो होगा ही। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के मुकाबले में इत्तेहाद का नारा दिया है और लगे हाथ उन्होंने महाराष्ट्र में मुसलमानों से एकजुट होकर उनकी पार्टी AIMIM को वोट करने की अपील भी कर डाली है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि देश में मजहब के नाम पर नफरत की सियासत हो रही है और मॉब लिंचिंग, बीफ, घर वापसी, टोपी और दाढ़ी के नाम पर काटा जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, हिंदुस्तान मेरा भी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि बटोगे तो कटोगे से लोगों को कई एतराज हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग और घर वापसी के नाम पर, टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी रखने के नाम पर तुम बांट रहे हो। क्या इससे मुल्क कमजोर नहीं हो रहा? मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाना क्या देश को बांटना नहीं है? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी एक मुसलमान कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और योगी, हिंदुस्तान जितना आपका है उतना मेरा भी है। वह मुसलमान है इसलिए मुसलमानों की आवाज़ उठाते रहेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर दोहराई 15 मिनट वाली बात। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ साल पहले विवादित बयान देते हुए कहा था कि हमें 15 मिनट दे दो, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था और उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी। अब महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक बार फिर उन्होंने इससे जुड़ी एक बात कही है, हालांकि इसका अर्थ कुछ अलग था। दरअसल जब अकबरुद्दीन ओवैसी लोगों को संबोधित कर रहे थे तब रात के 9:45 हो रहे थे। तब उन्होंने कहा कि कैंपेनिंग का टाइम 10 है और अभी 15 मिनट बाकी है। ओवैसी के इस बयान को उनके उस विवादित बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार निशाना साधा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 20 नवंबर को आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पतंग AIMIM का चुनाव चिन्ह है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया TV।